कौमी असेंबली का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। मुल्क 23वें वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा। शहबाज शरीफ और शाह महमूद कुरैशी वज़ारत उस्मा के लिए उम्मीदवार हैं। वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद गिनती होगी और फिर नतीजे का ऐलान कर दिया जाएगा। कायदे ऐवान मुंतखब होने के लिए 172 वोटों का हुसूल लाजमी है। 9 मुंतखब वज़ीर आज़म ऐवान सदर जाकर हलफ उठाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास आज दोपहर 1 बजे तलब। वज़ीर आला महमूद खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी एजेंडे में शामिल। लाहौर हाईकोर्ट में वज़ीर आला पंजाब के इंतखाबात कराने के लिए दरख्वास्त पर समाअत। सेक्रेटरी पंजाब और एडवोकेट जनरल पंजाब अदालत में पेश। पहला सवाल ये है कि वज़ारत आला का इंतखाब कैसे होना है। कारोबार के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर मुलजमान पर फर्दर जुर्म आयद ना हो सकी। शहबाज शरीफ की 1 रोजा हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। मुबैना अमरीकी खत की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त पर समा। दरख्वास्त गुजार ने मौकिफ इख्तियार किया कि इससे पहले परवेज मुशर्रफ ने भी आइन शिकनी की थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इमरान खान मुंतखब वज़ीर आज़म थे, परवेज मुशर्रफ से मवाजना ना करें। दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। अदम एतमाद के बाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवामी राबता मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया। कल पेशावर में जलसे आम से खिताब करेंगे। पेशावर के बाद कराची, लाहौर और रावलपिंडी में भी जलसे किए जाएंगे। सियासत जोरों पर, इमरान खान की कॉल पर मुल्क भर में पीटीआई कारकुनों का एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। इमरान खान कहते हैं मुल्क भर में पाकिस्तानी सड़कों पर निकल आए। हुकूमत की तब्दीली के खिलाफ एहतजाज करने वालों का शुक्रिया।